एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नूहू पैथी एंड हियर समृद्धि शर्मा इज हेयर टू गाइड यू। और आज की वीडियो में मैं आपसे स्टुअर्ट क्लोज फिलोसॉफी का जो चैप्टर है स्कूल्स ऑफ फिलोसॉफी उसको डिस्कस करने वाली हूँ। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है और बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये चीज़ समझ में नहीं आती है। तो यही चीज़ मैं इस वीडियो में पूरी आपको क्लियर करूँगी और सारी चीज़ें मैं आपको इसमें बताऊँगी कि आपको पढ़ना क्या है। ओके, तो अगर जिसका माइंड अभी एक्टिव नहीं है तो वो इस वीडियो को ना देखें, और जिनका एक्टिव है जो समझ सकते हैं वो ही इस वीडियो को देखें। लेकिन आपको इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना है क्योंकि आपको तीनों जो स्कूल्स हैं फिलोसॉफी के वो समझ में आने चाहिए, और वो तभी समझ में आएंगे जब आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखोगे। बिकॉज अगर आप बीच में कहीं छोड़कर चले जाओगे और जाना चाहते हो तो आप पहले ही चले जाओ, इस वीडियो को यहीं छोड़कर आप जा सकते हो। लेकिन अगर आपको समझना है स्कूल्स ऑफ फिलोसॉफी को तो आपको ये वीडियो लास्ट तक देखनी ज़रूरी है। ये मेरी आपसे एक प्रार्थना है कि अगर आपको समझना है तो इसको लास्ट तक ज़रूर देखना, वरना आप जाना चाहते हो तो आप अभी भी जा सकते हो। तो चलिए, आज का जो टॉपिक है स्कूल्स ऑफ फिलोसॉफी वो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखोगे कि स्कूल्स ऑफ फिलोसॉफी में तीन स्कूल हैं। पहला है मटेरियलिज्म, दूसरा आइडियलिज्म और तीसरा सब्सटेंशियलिज्म। नाम सबको समझ में आ जाते हैं बिकॉज इट्स वेरी इजी टू रिमेंबर दिस कि मटेरियलिज्म है, आइडियलिज्म है और सब्सटेंशियलिज्म है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर क्या है, मतलब मटेरियलिज्म का मतलब क्या है, आइडियलिज्म का मतलब क्या है और सब्सटेंशियलिज्म का मतलब क्या है, ये बहुत सारे स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता है बिकॉज जो फिलोसॉफी जो लिखी हुई है बहुत स्कैटर्ड वे में लिखी हुई है। तो आपको क्या करना है, उसमें से कंटेंट इस तरीके से निकालना है कि बिल्कुल एक अच्छी लाइंस बन जाए, ओके, या फिर समझने लायक चीज़ बन जाए। तो वन बाय वन मैं आपसे जो ये स्कूल्स हैं वो डिस्कस करूँगी। सो फर्स्ट स्कूल है मटेरियलिज्म, ओके। सो मटेरियलिज्म में है क्या वो हम देखते हैं। मटीरियलिस्ट रिगार्ड नथिंग एज रियल एंड सब्सटेंशियल विच हैज़ नॉट टेंजिबिलिटी, ओके। मटीरियलिस्ट जो है वो कभी भी उस चीज़ को रियल नहीं बताएगा जो वास्तविक में नहीं है, ओके। मतलब मटीरियलिस्ट है उसको वही चीज़ रियल लग रही है जो दिख रही है, जो सामने है। तो यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है टेंजिबिलिटी, ओके। टेंजिबिलिटी का मतलब है वास्तविक, ठीक है। टेंजिबिलिटी का भी हम मतलब लिखा हुआ भी देख रहे हैं, वास्तविक। मटीरियलिस्ट उसी चीज़ को रियल बताएगा जो वास्तविक में उसे दिख रही है या जो वास्तविक है, ओके। रिड्यूसेस एवरीथिंग इन द टर्म्स ऑफ फिजिकल मैटर विच इज़ फॉर हिम ओनली रियलिटी। वो हर चीज़ को फिजिकल मैटर में तोड़ने की कोशिश करेगा और वो फिजिकल मैटर जो है वही उसके लिए रियलिटी है। सपोज़ कोई चीज़ इस लिमिट तक ही फिज़िकल मैटर में टूट सकती है, तो वो जो लिमिट आ गई जहाँ पे वो फिज़िकल मैटर में टूट सकती है वो उसके लिए हो गई कि यहाँ तक ही जो है मटीरियलिस्टिक है, ये चीज़ यहाँ तक ही मटीरियलिस्टिक है। तो फॉर द मटीरियलिस्ट और फॉर द मटीरियलिस्ट कि वही चीज़ रियल है जो उसको दिख रही है, जिसको वो फिज़िकल मैटर में तोड़ सकता है, ठीक है, उसी के लिए वो रियलिटी है। दिस इज़ द मटीरियलिज्म। नाउ नेक्स्ट इज सब्सटेंशियलिज्म, ओके। सो ये जो है ये बहुत हार्ड है बट मैं इसको बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से आपको बताऊँगी, तो आप पूरा दिमाग खोल कर इसको सुनिए। नो सब्सटेंशियल इफेक्ट कैन बी प्रोड्यूस अपॉन एनी सब्जेक्ट विदाउट एन एब्सोल्यूट सब्सटेंस ऑफ सम काइंड कनेक्टिंग कॉज विद इफेक्ट, ओके। ये कह रहा है कि सब्सटेंशियलिज्म जो है स्कूल वो ये बोलता है कि कोई भी सब्सटेंशियल इफ़ेक्ट किसी भी सब्जेक्ट पे प्रोड्यूस नहीं हो सकता जब तक कोई सब्सटेंस नहीं हो जो उस इफ़ेक्ट को प्रोड्यूस करे, ओके। सो फर्स्ट इज देयर इज़ अ सब्सटेंस दैट प्रोड्यूस अ सब्सटेंशियल इफेक्ट एंड दैट इफेक्ट एक्ट ऑन द बॉडी, दिस इज़ व्हाट द सब्सटेंशियलिज्म मीन्स, ओके। तो अगर कोई चीज़ ग्रेविटेशन प्रोड्यूस कर रही है तो वो सब्सटेंस है, ठीक है। अब जो चीज़ ग्रेविटी प्रोड्यूस कर रही है वो सब्सटेंस है और जो सब्सटेंशियल इफेक्ट है वो दूसरी बॉडी पे एक्ट किया। तो यहाँ पर हम देखें कि जैसे कि मैग्नेट है,
ओके, तो जो चीज़ मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस कर रही है तो वो तो सब्सटेंस हो गई, और उसका जो सब्सटेंशियल इफेक्ट है दैट इज़ मैग्नेटिक इफेक्ट, वो दूसरी बॉडी पे देखने को मिल रहा है। तो अकॉर्डिंग टू सब्सटेंशियलिज्म जो लाइट है, हीट है, इलेक्ट्रिसिटी है, ये हमें देखने को नहीं मिलती, हम इनको देख नहीं सकते, लेकिन हम इनका जो इफेक्ट है वो बॉडी के ऊपर देख सकते हैं। तो ये माना गया है कि जो लाइट है, हीट है, इलेक्ट्रिसिटी है, ये सब जो है ये ईथर से डिराइव्ड है, जो वाइब्रेशन है ईथर के उनसे डिराइव्ड है, और ईथर एक सब्सटेंशियल है। ओके, सो फॉर अंडरस्टैंडिंग द सब्सटेंशियलिज्म यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कोई सब्सटेंस होना चाहिए, वो सब्सटेंस जो है वो कोई सब्सटेंशियल इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, और वो सब्सटेंशियल इफेक्ट क्या होता है, बॉडी पे एक्ट करता है। तो अकॉर्डिंग टू सब्सटेंशियलिज्म जो भी चीज़ें हैं वो दिखती नहीं हैं, बट अकॉर्डिंग टू मटीरियलिज्म जो चीज़ें हैं वो तभी तक हैं जब तक वो दिख रही हैं, जब जिन जिनको आप फिजिकल मैटर में ब्रेक कर सकते हो, तब तक वो वास्तविक हैं, दे आर टैंजिबल ओनली जब तक वो दिख रही हैं। ओके, तो दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द मटीरियलिज्म एंड द सब्सटेंशियलिज्म। मटीरियलिज्म को दिखनी चाहिए चीज़ें, और सब्सटेंशियलिज्म ये कहता है कि नहीं, हमें इफेक्ट दिखता है। प्राइमरी सब्सटेंस ऑफ विच मैटर एज वेल एज हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी इज कंपोज। जो वाइब्रेशंस ऑफ ईथर है वो क्या है, दिस इज़ द प्राइमरी सब्सटेंस जिससे हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी बन रही है। लाइट, हीट, इलेक्ट्रिसिटी आर सब्सटेंशियल इनामिनेशन फ्रॉम देयर प्रोड्यूसिंग बॉडी ऑफ सब्सटेंस। मतलब जो सब्सटेंस है वही लाइट, हीट, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है। ओके, नाउ मूविंग ऑन द नेक्स्ट एंड द लास्ट स्कूल ऑफ फिलोसॉफी, दैट इज आइडियलिज्म। ओके, सो आइडियलिज्म इज़ वेरी सिंपल, एवरीथिंग कम्स फ्रॉम प्रिसीडिंग लाइफ इन एन अनब्रोकन चेन, द लास्ट कंसीवेबल लिंक ऑफ विच इज़ वन इनफाइनाइट एंड इटर्नल सोर्स ऑफ लाइफ, द सुप्रीम बींग। मतलब हर चीज़ जो आ रही है वो कोई ना कोई उससे पहले लाइफ एग्जिस्ट कर रही है, और एक अनब्रोकन चेन में वो एग्जिस्ट कर रही है। तो जिसकी जो लास्ट लिंक है वो क्या है, इनफाइनाइट है, एंड दैट ही दैट द स्कूल कॉल्स हिम द सुप्रीम बींग और द इटर्नल सोर्स ऑफ लाइफ। ओके, सो समथिंग लाइक दैट इट मीन्स टू से दैट द बहुत सारी लिंक है बीच में, और अकॉर्डिंग टू आइडियलिज्म गॉड है, फिर बहुत सारी बीच में लिंक है, और लास्ट में जो है लाइफ है। मतलब हर लाइफ जो है वो प्रिसीडिंग लाइफ से आ रही है, और अनब्रोकन चेन ये चल रही है, जिसकी लास्ट लिंक जो है वो इटर्नल सोर्स ऑफ लाइफ और सुप्रीम बींग है। ओके, सो दिस इज़ द आइडियलिज्म वॉन्ट्स टू से कि हर चीज़ जो आ रही है वो प्रिसीडिंग लाइफ से आ रही है, जिसकी आप लास्ट लिंक देखोगे वो इनफाइनाइट, द इटर्नल सोर्स ऑफ लाइफ, द सुप्रीम बींग और गॉड है। ओके, सो दैट्स ऑल आई वॉन्ट टू से अबाउट द स्कूल्स ऑफ फिलोसॉफी, दैट इज़ मटीरियलिज्म, सब्सटेंशियलिज्म एंड आइडियलिज्म। नाउ आई थिंक जिसने ये वीडियो ध्यान से सुनी है उसको समझ में आ गया होगा कि इस वीडियो में बताया क्या है और आपको लिखना क्या है। यही चीज़ आपको लिखनी है, अकॉर्डिंग टू मटीरियलिज्म वही चीज़ एग्जिस्ट कर रही है जो दिख रही है फिजिकल मैटर में, जिसको तोड़ सकते हैं। सब्सटेंशियलिज्म इफेक्ट्स देखते हैं, और आइडियलिज्म जो है वो ये बताता है कि हर चीज़ जो है वो सुप्रीम बींग से आई है, देर इज़ अ अनब्रोकन चेन। ओके, तो जिसने ये वीडियो ध्यान से सुन ली उसको ये क्लियर हो चुका है, और मुझे उम्मीद है आप सबको समझ में आ गया होगा। अगर आपको पसंद आई है वीडियो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नोमिपैथी।